नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन अब से कुछ ही महीनों में होना है, जिसको लेकर सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी। T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में होना है, जिसके मद्देनजर कीवी टीम इन दिनों एशियाई देशों के दौरे पर है। फिलहाल न्यूजीलैंड टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, जिसके बाद टीम पाकिस्तान के दौरे पर होगी। बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड पहले 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, जिसके बाद कीवियों को पाकिस्तानियों से 3 मैचों की ODI और 5 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज पहले खेलनी है, जिसके लिए मेजबान पाकिस्तान ने अपने 20 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने जो 20 सदस्यीय टीम घोषित की है, उसमें पाकिस्तान के 4 युवा खिलाड़ियों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ODI टीम में मौका दिया गया। इस लिस्ट में मोहम्मद हैरिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद को पहली बार मौका दिया गया। पाकिस्तान के स्क्वाड में मध्यक्रम के बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद और खुशदिल शाह को भी मौका मिला। उनके अलावा हैरिस सोए, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शोएब मकसूद को टीम से बाहर कर दिया गया। ये खिलाड़ी जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज टीम का हिस्सा थे। सीरीज के मुकाबले रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। आपको बता दें, न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश दौरा खत्म करने के एक दिन बाद यानी 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी, जहां पर कीवी टीम 18 साल में पहली बार सीरीज खेली। इस बीच PCB ने स्टेडियम में 25% दर्शकों के लौटने की भी इजाजत ले ली, जिसके चलते करीब 4,500 दर्शक वनडे सीरीज और करीब 5,500 दर्शक T20 सीरीज देखने के लिए मैदान पर पहुंच सकते हैं। बताते चले, 17, 19 और 21 सितंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम बाबर आजम कप्तान, फखर जमा, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफी, सऊद शकी, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हैरिस, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद वसीम, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादी, जाहिद महमूद, शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, रऊफ, हसनैन अली, शाहबाज दहानी। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।